नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचारों पर। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आरती कराने पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी भक्त बताया है। सीएम ने कहा, चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है, ऐसा करने के लिए वे मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भोपाल में कहा, कांग्रेस कंफ्यूज और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग भगवान राम का नाम लेने से इनकार करते थे, उन्हें काल्पनिक मानते थे, वे अब उनकी कथाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्य अब सोमवार को भोपाल आए। तेजस्वी ने यहां युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा युवा इन्फ्लुएंसर से बातचीत की। सूर्या ने भोपाल के मिंटो हॉल में गर्ल्स कॉन्क्लेव में प्रदेश की चुनिंदा युवतियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने लड़कियों की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए हैं। हालांकि कॉन्क्लेव में जब प्रोफेशनल कोर्सेज की छात्राओं ने उनसे नौकरी पर सवाल किए तो वे सीधे जवाब नहीं दे सके। वे मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल का गुणगान करते रहे। मध्य प्रदेश में राजगढ़ की रहने वाली और भोपाल के पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ रीना गुज्जर ने कनाडा में भारतीय परचम लहराया है। कराटे खिलाड़ी रीना ने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2023 में फिलीपींस के खिलाड़ी को 7-4 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2020 में आयोजित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर चयनित अभ्यर्थी सिर मुंडाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर 2 बजे DPI के सामने सिर मुंडाकर नियुक्ति किए जाने की मांग की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों द्वारा अभी तक सरकार द्वारा मांगे न माने जाने के विरोध में अगस्त क्रांति के रूप में प्रतिदिन प्रदर्शन के विभिन्न तरीकों को अपनाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। नए सिस्टम के एक्टिव नहीं होने से मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज बारिश न होने के अनुमान है। इससे बादल छटने लगेंगे, दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।